हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह से फॉर्म होती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर होता क्या है। अगर आपने देखा हो तो हर एक ने कहीं ना कहीं प्लेन मिरर को देखा हुआ है, और इसका बेस्ट जो यूज है वो हमारा ही क्लोथिंग मिरर है। जब भी हम अपनी डेली रूटीन में हम रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए, या हम अपने आप को करना चाहते हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें क्लोथिंग मिरर को देखते हैं, लुकिंग मिरर को देख के ही हम कोप करते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे हमारा प्लेन मिरर यूज होता है। तो प्लेन मिरर बेसिकली होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो हम प्लेन मिरर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ ग्लास। ग्लास का एक पीस है जिसकी हमने एक सरफेस को बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश किया है ताकि वहां से कहीं भी कोई रफनेस ना हो, और उसकी जो बैक साइड है उसको हमने एक सिल्वर कोटिंग से, ये कोटिंग हमारी सिल्वर की भी हो सकती है, ये हमारी एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, या कोई भी शाइनिंग सरफेस मटेरियल से हम इसकी एक कोटिंग करते हैं। और इस शाइनिंग मटेरियल की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पीछे हम एक थिक लेयर ऑफ पेंट इसके ऊपर लगाते हैं ताकि जो शाइनिंग मटेरियल है इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना फॉर्म हो। तो जब भी लाइट हमारी फॉल करेगी, लाइट आई, सामने हमारे पास एक प्लेट मिरर आया, उसके सामने की जो सरफेस है वो पॉलिश सरफेस है, और उसमें से, और क्योंकि वो ग्लास की है तो सारी की सारी लाइट अंदर चली जाएगी। अंदर जाने के बाद उसको बैक सरफेस में हमारे को उसको एक शाइनिंग मटेरियल मिलेगा। शाइनिंग मटेरियल एक ओपेक मटेरियल है, ये लाइट को आगे नहीं जाने देगा और लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। तो लाइट गई, सामने प्लेन मिरर मिला, लाइट वापस आ गई। ये लाइट जब हमारी आईज में फॉल करेगी तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम देख पाएंगे। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है तो हमारी अगर आई यहाँ पे है तो इस जगह पे हम आईज में हम इसकी इमेज को देख पाते हैं। तो हमें दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा, अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट हमें, अब ये लाइट यहाँ से गई ऑब्जेक्ट तक, सामने रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज तक आई है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे नजर आएगी। दैट मीन्स हमें लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे पड़ रहा है। तो अगर हम जब भी कभी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन हमें नजर आएगी, जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा उसकी रिफ्लेक्शन हमें प्लेन मिरर में नजर आएगी। Now let us discuss something more about the concept. अब हम discuss करते हैं कि plane mirrors के uses क्या हैं या plane mirrors कहाँ कहाँ use होते हैं। Uses of plane mirror. अगर हम अपनी day to day life देखें तो सबसे ज्यादा जो plane mirrors हम use करते हैं वो है किस form में, they are used as looking mirrors. जब भी हम कभी कॉम करते हैं हम प्लेन मिरर की हेल्प से अपनी इमेज को देखते हैं और फिर हम अपनी कॉम करते हैं। सो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो प्लेन मिरर होता है, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ लुकिंग मिरर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्लेन मिरर। सेकेंडली, इट इज यूज्ड टू गिव फॉल्स डायमेंशन, फॉल्स डायमेंशन टू रूम्स। ये चीज आपने कॉमनली देखी है कि जब हम कभी शोरूम्स में जाते हैं, अगर हम शोरूम को हम बड़ा दिखाना चाहते हैं, मतलब जो उसका साइज है, जो उसकी डायमेंशन है, हम चाहते हैं कि जो भी आए वहां पे उसको वो साइज ना लगे, उसको साइज उसका बड़ा लगे, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी वॉल्स के ऊपर लुकिंग मिरर को लगाते हैं या हम प्लेन मिरर को लगाते हैं। उससे क्या होगा कि उसकी डायमेंशन जितना बड़ा वो है उससे वो डबल नजर आएगा। तो ये एक उसकी फॉल्स डायमेंशन होगी, मतलब एक्चुअल डायमेंशन तो कुछ और है लेकिन देखने में वो कुछ और साइज का लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्लेन मिरर्स को यूज करते हैं किसी भी रूम को फॉल्स डायमेंशन देने के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज इसका हमारा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डायरेक्ट विजन में नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखना चाहते तो हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन सबमरीन्स आल्सो, कि हम देखना चाहते हैं कि सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, या हम कह सकते हैं कि हम एनिमी, हम बंकर्स में हैं, सोल्जर्स बंकर्स में से अपने सरफेस लेवल पे आके और देखना चाहते हैं कि सामने से कोई एनिमी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी हाइडिंग प्लेस है उसमें हम डायरेक्टली नहीं चाहते कि हम विजन में आए और लेकिन हम देखना भी चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम पेरिस्कोप को यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर्स। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम प्लेन मिरर्स को अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ऐसे और बहुत सारी जगह है जहाँ पे प्लेन मिरर्स को यूज किया जाता है। दे आर इवन यूज्ड इन बार्बर शॉप। जब हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं और वो हमारा हेयर कट कर रहा है, हेयर कट करने के बाद वो हमारे को एक और मिरर की हेल्प से हमारे को रिफ्लेक्शन दिखाता है हमारे बार्बर की, हमारा बैक कैसा व्यू आ रहा है, तो उसके लिए भी हम प्लेन मिरर्स को यूज करते हैं।
दीज आर सम ऑफ द यूजेस जहां पे हम प्लेन मिरर्स को यूज करते हैं. एंड अगर आप देखेंगे तो डे टू डे लाइफ में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम अक्सर हमारी लाइफ इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये प्लेन मिरर्स आ ही जाते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द कांसेप्ट. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में उसका रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम देखना चाहें कि उसकी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है तो अब हम उसको रे डायग्राम की हेल्प से हम इमेज को देखना चाहते हैं. तो अगर आप देखें हम डायग्राम में आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अलग अलग डाइवर्जिंग रेज आ रही है जो कि प्लेन मिरर के ऊपर फॉल कर रही है. अब हमने उसमें से दो इमेजेस दो रेज को हाईलाइट किया है, एक हमारी रेड रे आ रही है, एक को हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है. तो ये जो दोनों रेज हमारी आ रही है ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के ऊपर फॉल कर रही है, मतलब प्लेन मिरर पे फॉल हो रही है. फॉल होने के बाद दोनों जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जो रेड रे जहाँ फॉल कर रही है वो भी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ ब्लू रे फॉल कर रही है वो भी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. दोनों पॉइंट्स पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दोनों रेज हमारी रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रही है क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये डाइवर्ज करेंगी, मतलब ये कभी भी मिलेंगी नहीं एक दूसरे को. तो अब हम देखना चाहते हैं जब तक कि रे डायग्राम में हमारी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम उसकी इमेज को फॉर्म हम उसकी इमेज वहां नहीं बन पाएगी. तो अगर आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है जो हमारी बाहर आ रही है वो दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, तो अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं, आपने देखा है हमने डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे उन दोनों रेज को एक्सटेंड किया है तो एक पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है. जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है वो उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है. तो दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब हमें ये जो रेज है रिफ्लेक्शन के बाद हमारे को डाइवर्ज होती हुई आ रही है, और आगे अगर हम देख रहे हैं तो हमें वो रेज हमारी ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज जब ये आईज में फॉल करेंगी तो हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखेंगे. लेकिन जब इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो जाके मीट कर रही है उस पॉइंट पे हमें इमेज नजर आ रही है, मतलब जो भी पर्सन है वो जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे पड़ा है. ऐसी रेस या ऐसी इमेज जो कि जिसमें कि रेस एक्चुअली कट नहीं कर रही है बट दे आर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, ऐसी जो होता है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. तो अब इस रे डायग्राम से हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है इसमें जो रेस बन जो हमारी इमेज बनती है इट इज वर्चुअल इन नेचर बिकॉज रेस एक्चुअली मीट नहीं करती है बट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज इज बीइंग